सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और यहाँ पर आज हम गैस चार्ज करना सीखेंगे। R134 गैस जो है वो हम चार्ज करेंगे ग्राफिक्स रेटर में। वैक्यूम मैंने ऑलरेडी इसे किया हुआ है और एक लाइन जो है वैक्यूम की तरफ जो हमने लगानी थी, वैक्यूम करने के बाद हमने यहाँ पर लगा दी और साथ में ही हमने जो है वाल ओपन कर लिया। सिलेंडर का वाल ओपन हो गया, हमने यहाँ पर लगा ली। यहाँ से जो है सिलेंडर के साथ जो लाइन आ रही है, यहाँ से हमने थोड़ी सी गैस जो है रिलीज़ कर देनी है ताकि इसमें जो एयर थी वो बाहर निकल जाए। यहाँ से हम अब गैस जो है रेफ्रिजरेटर में थोड़ी सी जो है चार्ज कर देंगे। इसको रेफ्रिजरेटर को ऑफ पर ही, तो ये वैक्यूम जो था इसका वो अब जो है टूट चुका है, यानी कि हमने वैक्यूम की जगह अब जो है गैस उसमें चार्ज कर दी है। तो अभी रेफ्रिजरेटर ऑफ है, मैं वैसे ही इसमें 40-50 के आसपास 40-50 PSI प्रेशर जो है वो स्टैंड करना चाह रहा हूँ। तो स्टैंड करने के बाद हम इसको चला लेंगे, रेफ्रिजरेटर को ऑन करेंगे और देखेंगे हमारा सिस्टम जो है सही चलता है कि नहीं चलता। और वैक्यूम की वीडियो जो है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप वो देखकर रेफ्रिजरेटर को वैक्यूम कैसे करते हैं वो सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक मैं क्लंप मीटर अम्पेयर साथ साथ टेस्ट करने के लिए लगा देता हूँ ताकि मुझे अम्पेयर भी जो है इसके साथ साथ देखने को मिलते रहें। तो चलिए इसको कर लेते हैं अब स्टार्ट। तो स्विच ऑन किया और यहाँ पर जी हाँ कंप्रेसर हो चुका है ऑन। तो 1+ अम्पेयर जो है ये इस वक्त रेफ्रिजरेटर ले रहा है। अब मैं इसको साथ साथ स्लो स्लो जो है गैस इसमें चार्ज करूँगा। इसमें जो ग्रीन वाली रीडिंग है आपको नीचे की तरफ जो देखने को मिल रही है, सिफर से नीचे ग्रीन वाली रीडिंग, उस पर इस रीडिंग को जो है नहीं आना चाहिए। हमारी गेज जो है सिफर प्लस ही रहनी चाहिए। तो डिस्चार्ज को हम टेस्ट कर लेंगे। जो बारीक वाला पाइप है तो वो अच्छे से गर्म होना चाहिए, कंडेंसर, और वो कंडेंसर का ही पाइप है, यानी कि कंडेंसर हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो 1 एम्पेयर के आसपास, 1 एम्पेयर मैक्सिमम है। तो ये 66 का कंप्रेसर है तो इसके लगभग 1.25 के आसपास ही होंगे। तो यहाँ पर जो है इस वक्त इसका प्रेशर मैक्सिमम 5-6 PSI के आसपास है। आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि आपका प्रेशर 0-1-2 के पास होना चाहिए, या जैसे थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो वो थ्योरी हमें ये बताती है कि इसका प्रेशर मैक्सिमम जो है वो 5-15 के आसपास होता है। लेकिन अक्सर रेफ्रिजरेटर जो है वो 0 पर भी फुल तैयार हो जाते हैं, लेकिन अक्सर रेफ्रिजरेटर जो है वो कह लें कि 2-4 पॉइंट पर या 10 पॉइंट पर या 15-20 पॉइंट पर भी जाकर तैयार होते हैं। अब इसमें मैं आपको ये साथ साथ बता दूं कि इसके जो पॉइंट है, अगर 0 के आसपास रेडी हो रेफ्रिजरेटर 0 के आसपास, तो फिर आपका जो है हेड प्रेशर जो है वो बहुत ही कम होगा, यानी कि रिलैक्स फ्रिज जो है वो बहुत इजी काम करेगी बहुत ही आसानी से, के साथ आपका कंप्रेसर भी सही यानी कि आगे चलेगा। तो इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका हेड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, अगर बढ़ता है तो फिर तो आपका जो है हेड प्रेशर जो आपका कंडेंसर है कंप्रेसर है बहुत ही ज़्यादा हीटअप होगा, यानी कि अगर आपकी 10-15 के आसपास पॉइंट के आसपास रेफ्रिजरेटर जो है वो फुल तैयार होती है। तो अभी यहाँ पर आप देखें कि मैंने कुछ वेट करने के बाद जो है ये क्लिप साथ में ऐड किया है, तो इसमें थोड़ी बहुत जो है वो गैस की कमी पेशी थी तो वो मैं फिल कर रहा हूँ अभी। तो अम्पेयर हमारा 1 के आसपास बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो अभी आप देखेंगे तो आपको जो है पॉइंट वो मैक्सिमम 4-5 के आसपास ही देखने को मिलेगा गेज में, 4-5 के आसपास जी हाँ। तो बहुत ही अच्छी अभी चल रही है, बहुत ही अच्छे से जो है ये काम कर रहा है रेफ्रिजरेटर। तो अगर हाँ 0 से नीचे ग्रीन लाइन के ऊपर आ जाए, ग्रीन रीडिंग में आपको 10-20-30 पॉइंट ऐसे देखने को मिलेंगे, 10-20-30, तो वो चोकिंग की एक पहले की निशानी है। अगर उन पॉइंट्स पर आ जाए तो आपका रेफ्रिजरेटर जो सिस्टम है वो चोक होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि काम करना छोड़ जाता है और उसमें जो है हमारी जो है कूलिंग वो भी बहुत ही लो हो जाएगी।
तो अभी बहुत ही अच्छे से काम चल रहा है। मैं थोड़ी सी गैस जो है बस इसमें चार्ज मैंने अभी की है, और तो उम्मीद है कि अब आगे सही वर्क होगा। तो कंडेंसर तो बहुत ही अच्छे से हीटअप हो रहा है, कंडेंसर हमारा हीटअप होना चाहिए। अगर आपका रेफ्रिजरेटर चोक होगा तो कंडेंसर भी आपका सही हीटअप नहीं होगा, रीडिंग भी आपकी नीचे आ जाएगी। तो आपका जो इसमें कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग ऊपर नीचे बहुत कम हो जाएगी। तो रेफ्रिजरेटर में आपने गैस जो है वो स्लो स्लो चार्ज करनी है। अब मैं साथ में इसको टेस्ट कर लेता हूँ, रेफ्रिजरेटर काफ़ी पुराना है। तो खैर इसमें मैं अभी साथ में फ्रीज़र में ऊपर वाले हिस्से में जो है टेस्ट कर लेता हूँ। स्टार्टिंग जब कूलिंग होती है तो आपको ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाली साइड से ही टेस्ट करनी होती है। कैपिलरी ट्यूब जहाँ पर होती है, यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब है और यहाँ पर मैं हैंड लगाऊंगा तो मुझे जो है कूलिंग महसूस हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छे से जो है ऊपर वाला हिस्सा कूल हो चुका है, अभी फुल कूल नहीं है लेकिन स्टार्टिंग के हिसाब से जैसे कूल होना चाहिए वो काम हो रहा है। ये चीज़ें आपको साथ में टेस्ट कर लेनी चाहिए, कूल ऊपर होना स्टार्ट हो चुका है नहीं हो चुका। ऊपर वाले हिस्से में आप साउंड सुनेंगे, आपको स्प्रे की आवाज़ आएगी, वो आनी चाहिए। साथ में कंडेंसर आप टेस्ट कर लें, एम्पेयर टेस्ट करना चाहते हैं एम्पेयर भी टेस्ट कर लें। और रीडिंग का आप ख़ास ख्याल रखें कि जब आप गैस चार्ज कर रहे हो तो रीडिंग आपने ख़ास ख्याल में इसको जो देखना है कि ये चोक ना हो। तो अब ये चोक नहीं हुई, काफ़ी देर तक आपके सामने मैंने जो है इसको टेस्ट किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कि इससे आपको कुछ ना कुछ न्यू जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब ये रेफ्रिजरेटर कब तक तैयार होगी, चाहे 2, 4, 8, 10 घंटे लग जाए, जब तक नीचे वाले हिस्से में प्रॉपर कूलिंग नहीं हो जाती। ऊपर तो होगी लेकिन नीचे वाले हिस्से में जो प्लेट लगी होती है वो फुल चिल ना हो जाए, उसके ऊपर आइस ना आ जाए, तब तक ये रेफ्रिजरेटर तैयार नहीं होगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फुली फॉर वर्ल्ड चैनल को आप इस वीडियो को नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहेगी और आप ऐसे ही उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो रीडिंग अच्छी चल रही है, एम्पेयर अच्छे चल रहे हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।